डिलीवरी के लिए आपके हॉस्पिटल बैग के अंदर कौन कौन सा सामान होना चाहिए? यह है हॉस्पिटल बैग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पहले से ही रेडी करके रख लेना है। जी हाँ, 8th मंथ के अंदर ही रेडी करके रख लेना है क्योंकि जब लीवर पेन शुरू होता है या लीकिंग या ऐसा कुछ भी शुरू होता है तो घर में इतना हौच-पौच मच जाता है कि उस टाइम पे चीज़ें ढूंढना इकट्ठी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सब घर में एकदम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होना चाहिए ताकि आप उसे उठा के सीधे अपने हॉस्पिटल पहुँच पाए। तो आइए जानते हैं इस हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फाइल, जी हाँ, आपकी पूरी जो एंटीनेटल फाइल चल रही है, जो पूरे 9 महीने आपने दिखाया है, उस पर सारी ब्लड की जाँचें, जो आपके डॉक्टर के पर्चे हैं, सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हैं, वो पूरी जो आपकी फाइल है वह आपको अच्छे से संभाल के हॉस्पिटल बैग में रख लेनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपना आईडी प्रूफ भी ज़रूर रखना है। बहुत से हॉस्पिटल्स में आजकल आईडी प्रूफ मांगते हैं, अच्छी भी चीज़ है, डेफिनेटली आपको लेकर ही चलना चाहिए। आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका मेडिक्लेम वगैरह है तो उसके पेपर्स भी आप पहले से ही डाल के रख लीजिए। बहुत से लोग स्टेम सेल्स रिजर्व कराते हैं, कॉर्ड ब्लैंकिंग कराते हैं, तो कॉर्ड ब्लड को रिजर्व कराते हैं, तो उसकी भी जो किट वगैरह है वो भी पहले से लेकर उस हॉस्पिटल बैग के अंदर आप डाल के रख लीजिए। ये तो हुए डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह। अब आता है माँ के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेकर चलनी है, यानी कि अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको अपने लिए क्या क्या लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका गाउन, जी हाँ, आप जो रेगुलर कपड़े पहन रही हैं वह आप उस टाइम पर नहीं पहन पाएंगी, तो आपको बेटर है कि आप जो गाउन है जिसके आगे बटन्स हों जो कि ईजीली खुल जाए, क्योंकि हो सकता है डिलीवरी के टाइम पर उस टाइम पर आपके मल्टीपल बार चेकिंग्स हो, एग्जामिनेशंस हो, तो एक लूज गाउन रखिए अपने साथ में। स्कार्फ होना चाहिए, बहुत एडवाइस किया जाता है कि डिलीवरी वाली महिला को अपने कान को बांध के रखना चाहिए, तो आप स्कार्फ अपने साथ ज़रूर रखिए। एडल्ट डायपर्स ज़रूर रखिए अपने साथ, सैनिटरी नैपकिंस हैं वह भी रखिए। ब्रा आती है ऐसे जो फीडिंग के लिए रहती है, जिसमें कि ओपन करके आप उस बच्चे को ईजिली फीड करा सकती हैं, तो लैक्टेशन ब्रा आप अपने साथ में रखिए। अंडरगारमेंट्स एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान बहुत सी बार आपके अंडरगारमेंट्स हो सकता है गंदे हो जाएं क्योंकि ब्लीडिंग लीकिंग वगैरह ये सब रहता है, तो थोड़े एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेकर चलिए। अपने स्लीपर्स लेके जाइए क्योंकि बहुत सी बार आप अगर सपोजिटली शूज़ वगैरह पहन के जा रही हैं लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आपको चलने के लिए स्लीपर्स वगैरह की ज़रूरत रहती है। बहुत सी महिलाओं को म्यूज़िक सुनने की बहुत आदत होती है, तो अपने ईयर प्लग्स वगैरह लेके रखिए क्योंकि ताकि अगर डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है उस टाइम पे, तो आप अपना म्यूज़िक वगैरह सुन लें, तो आप ईयर प्लग्स वगैरह अपने साथ में लेके चलिए, वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। एडल्ट डायपर्स तो आपको लेने ही लेने हैं। जो इस टाइम का समय होता है उसमें कमर में दर्द वगैरह भी काफ़ी रहता है, तो एक दो पिलोज़ भी एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाइए ताकि आप अपना पोजीशन को कंफर्टेबल पोजीशन आप में रह सकें। आप थोड़े स्नैक्स वगैरह भी अपने साथ लेके जाइए, अगर आपको ओरली अलाउ कर रखा है तो आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना चाहती हैं, बाई चांस अवेलेबल नहीं है लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी रहनी चाहिए, तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी अपने साथ में लेकर चलिए। अपना टूथब्रश वगैरह ज़रूर लीजिए, हेयर क्लिप्स या आप जो भी जिससे भी अपने बाल बांधती हैं, अगर रबर बैंड वगैरह है वो ज़रूर लीजिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत एकदम क्यूस जैसा समझ जाता है, आपके बाल भी इधर उधर हो जाते हैं, तो आप उन्हें टाई करके अच्छे से प्रॉपरली रख पाएँ। तो अपना जो भी आप यूज़ करती हैं, हेयर क्लिप्स यूज़ करती हैं, अगर आप रबर बैंड यूज़ करती हैं, तो वो भी ज़रूर अपने साथ में लेके चलिए। हॉस्पिटल से वापस जाने के टाइम पे जो जो आपको ड्रेस पहन के जानी है वो भी अपने साथ में उठा लीजिए। डेफिनेटली आप उस गाउन में वापस अपने घर नहीं जाना चाहेंगे, तो वापस जाते टाइम पे कौन सी ड्रेस पहन के जानेंगे वो भी अपने साथ आप अभी डाल लीजिए। अगर हो सकता है आपका घर दूर हो, बार बार आप आ जा नहीं कर पाए, तो वापस रिटर्न में कौन सी ड्रेस लेके पहन के जानी है वो भी आप डाल लीजिए अभी से। नर्सिंग टॉप्स अलग से आते हैं, यानी कि गाउन तो आपने ठीक है डिलीवरी का जो टाइम है उस टाइम पे पहने, उसके बाद में जब बच्चा वगैरह हो गया है तो कुछ ऊपर से पहनने के टॉप्स इस तरह के आते हैं जिसमें कि सिर्फ ऊपर का बटन खोल के आप आराम से बच्चे को फीड करा सकते हैं, नर्सिंग टॉप्स कहते हैं उन्हें, तो वो अभी अगर आपके पास है तो उन्हें भी रख लीजिए। ये तो हुई आपकी चीज़ें जो आपको लेके चलनी है। बच्चे के लिए, होने वाले बच्चे के लिए, बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अपना तो ध्यान रहता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, बच्चे के लिए क्या चाहिए। देखिए बच्चे के लिए चाहिए सबसे पहली चीज़ कपड़े, सॉफ्ट कपड़े।
तो बिल्कुल कपड़े जो भी रखिए सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स रखिए। बहुत से घरों में ट्रेंड होता है कि वो लोग पुराने कपड़ों को उबाल के बॉईल करके फिर अच्छे से साफ करके उसे रखते हैं। ये बहुत पुराना प्रचलन है, ट्रेंड है, कस्टम है। ये इसलिए कॉमनली किया जाता है क्योंकि नए कपड़े जो होते हैं ना वो यूजुअली थोड़े हार्ड होते हैं। जो पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं जो दो चार बार धुल चुके होते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस कारण ये कस्टम बहुत बरसों से चला रहा है कि पैदा होते नए बच्चे को पुराने कपड़े पहनाए जाएं। नए कपड़े मेजोरिटी घरों में नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, तो किसी अच्छे जानकार से जिसका बच्चा हो छोटा उसके कपड़े लेके उसको क्लीन करके बिल्कुल अच्छे से उसको रख लीजिए कपड़े। अगर विंटर का टाइम है तो वुलन्स बच्चे के लिए वो भी लेना नहीं भूलिए। बच्चे की कैप लेनी है, बच्चे के मिटन्स लेने हैं, उसके हाथ और छोटे छोटे जो नाखून होते हैं ना वो भी बच्चा अपने मुंह पे बहुत मार लेता है, तो उसको कवर करने के लिए जो मिटन्स आते हैं वो भी ज़रूर से लीजिए। बच्चे के पैरों में पहनाने के लिए छोटे छोटे से सॉक्स मिलते हैं वो ज़रूर से रखिए। बच्चे के लिए बिब होती है वह भी रखिए, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराएंगी बहुत सी बार मदर का मिल्क आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कटोरी चम्मच से पिलाया जा रहा है उसमें वो गिरता रहता है करता रहता है, तो बच्चे के लिए छोटी सी बिब का भी अपने साथ में रखिए। बच्चे को कवर करने के लिए डेफिनेटली आपको सॉफ्ट ब्लैंकेट की ज़रूरत रहेगी। कुछ प्लास्टिक की शीट्स आपको लेने रहेंगे क्योंकि डेफिनेटली बच्चा है तो सुपोटे भी करेगा ही, गीला भी हो ही सकता है, तो प्लास्टिक की शीट्स जो कि ऊपर से एक सॉफ्ट कॉटन मटेरियल से कवर हो उसको भी ज़रूर से रखिए अपने साथ में। बच्चे के लिए छोटे डायपर्स तो आपको लेने ही लेने हैं, साथ में कुछ पोतरे जो कॉटन के बने हुए छोटे बच्चे के लंगोट होते हैं वो भी ज़रूर से लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा डायपर में कंफर्टेबल ना हो, तो दोनों चीज़ों का आप ऑप्शन रखिए, डायपर भी रखिए और लंगोट भी रखिए। बच्चे के लिए पाउडर्स ऑफ जो जैसे बहुत सी कंपनीज का आता है, जॉनसन का आता है, हिमालय का आता है, जिसका भी आप यूज़ करना चाहें पाउडर वगैरह भी रखिए बच्चे के लिए, बच्चे के ताकि कभी कभी क्या होता है रैशेस वगैरह हो जाते हैं बच्चे के, तो उसके लिए रैश वाली क्रीम्स वगैरह आती हैं और तो वो हॉस्पिटल्स में इजीली मिल जाती हैं, तो नहीं भी है आपके पास तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बेबी वाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि जो वाइप्स होते हैं ना बहुत बार जैसे बच्चे ने पॉटी कर दी है उसको क्लीन करने के लिए, या तो आप कॉटन को लेके उसको गीला करके उससे क्लीन कीजिए, या फिर वाइप्स काफ़ी ईजीली अवेलेबल चीज़ होती है जो कि हैंडी होता है, यूज़ करना भी आसान होता है, तो वो वाइप्स रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो वाइप्स आपके बहुत से काम आने वाले हैं, बच्चे ने जहाँ भी गंदा किया वो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो, तो बेबी वाइप्स ज़रूर से रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है आपको हॉस्पिटल बैग में। हमारे हॉस्पिटल में अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल बैग की चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ और बच्चे की ये सारी चीज़ें हम हॉस्पिटल के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रही हैं तो भी, लेकिन अपनी फाइल लाना ज़रूर से नहीं भूलिएगा, फाइल, मेडिकल पेपर्स, आईडी प्रूफ, और अगर आपने स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन कराया है तो उसकी किट। जी हाँ, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आ रही हैं तो आपके हॉस्पिटल बैग में बस इतना ही सामान सफिशिएंट है। परंतु मैंने ये जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये इसीलिए दी है क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप पहले से रेडी रखिएगा। हमारे यहाँ आ रहे हैं तो चिंता मत करिएगा, सिर्फ अपने पेपर वर्क के लिए पेपर वाली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस ये लाने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।